नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। सिरसा के एक हाकिम के घर में देर रात हुए हमले के मामले में आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी जगदीश काजला ने आज शहर थाना में प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। डीएसपी ने कहा कि हमलावरों ने डॉक्टर के घर पर गलती से हमला कर दिया, जबकि उन्हें पड़ोस के एक मकान में आए हुए एक युवक से पुरानी रंजिश के बदला लेना था। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों में 5 सिरसा से जबकि 1 आरोपी फतेहाबाद का रहने वाला है। पलपल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। वहीं डीएसपी जगदीश काजला ने बताया कि पुलिस को मिली सूचना के अनुसार एक हड्डियों के डॉक्टर हकीम के घर पर किन्हीं अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। उसकी बाइक के साथ भी तोड़फोड़ की गई। काजला ने बताया कि पुलिस ने जाकर के मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज से अपने कब्जे में ली और उसके बाद में प्रदीप नाम के एक आरोपी की पहचान कर ली गई और उसी के आधार पर सभी 6 आरोपियों को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जगदीश काजला ने बताया कि आज पूछताछ से पता चला है कि इन आरोपियों का एक दोस्त दीपक नाम का लड़का है, जिसकी रंजिश लवली नाम के एक शख्स से पहले से थी और इसी के चलते ये सभी लवली से मारपीट करने के उद्देश्य से उसके घर पहुंचे थे, जिसके मामा का घर हड्डियों के डॉक्टर हकीम के बिल्कुल सामने है। काजला ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि लवली अपने मामा के घर पे बुलेट बाइक लेकर के आया है, जिसके कारण उन्होंने बुलेट बाइक में भी तोड़फोड़ कर डाली। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जल्द ही इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। रात कल शाम को सूचना मिली थी कि हमारे हड्डियों के डॉक्टर हैं यहाँ सिरसा में, तो उनके घर के आगे मोटरसाइकिल के साथ तोड़फोड़ की गई है और घर पर भी लाठी दरवाजे पर मारी गई है, जिस पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। वहाँ सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया तो उसमें एक प्रदीप नाम के लड़का आइडेंटिफाई हुआ। तत्पश्चात पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए सभी, इसमें 6 लड़के हैं, 6 लड़कों को आइडेंटिफाई करके और उनको पुलिस गिरफ्त में लिया। हाँ, उनको गिरफ्तार किया गया। दौरान तफ्तीश मामला सामने आया है कि एक दीपक सोनी नाम का लड़का है, जिसकी ये प्रदीप और शिवम वगैरह के साथ दोस्ती है। तो एक लवली नाम के लड़के ने अपने दोस्तों के साथ करीब 3-4 महीने पहले दीपक सोनी के चाचा को और उसके परिवार वालों को चोटें मारी थी, जिसमें ये लवली दोषी है और अभी तक पुलिस गिरफ्त से बाहर है। कल ये शाम को कहीं शराब पी रहे थे, इनको सूचना मिली कि लवली अपने मामा के घर यहाँ आता है, जिसका घर ये हमारे जो मुदई हैं हलीम अख्तर मलिक जी, इनके घर के बिल्कुल सामने हैं और वो बुलेट मोटरसाइकिल रखता है। तो फिर ये वहाँ मौके पे पहुँचे हैं। मौके पे जाने के बाद बुलेट मोटरसाइकिल इनको वहाँ खड़ा मिला है, इन्होंने बुलेट मोटरसाइकिल के ऊपर लाठियाँ भांजी हैं, बुलेट मोटरसाइकिल तोड़े हैं और उसके बाद मकान के गेट पर भी लाठी डंडे मारे हैं। इन्हें पुरानी रंजिश को लेकर उन्होंने, हाँ, ये पुरानी रंजिश को लेकर के जो लवली नाम का लड़का है उसके साथ मारपीट करने के लिए ये गए थे और वहाँ ये गलत फहमी के कारण वहाँ बुलेट मोटरसाइकिल और उस घर पर इन्होंने पथराव लाठी डंडे के साथ किया। हाँ, ये जो है ना, इन्होंने जो बुलेट मोटरसाइकिल के नुकसान पहुंचाया उसको तोड़ा है, घर पर भी लाठियां मारी गई है, तो इसमें जो है विभिन्न धाराओं के तहत 147, 449, 527, 506 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इसके अंदर सभी 6 के 6 आरोपी राउंड अप करके उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको आज पेश अदालत किया गया।